सुबह टाइम दिन के बज रहे हैं 2, हमें तेरे साथ सभी अस्सलाम वालेकुम। सुबह आपने आपको दिखा दिया काम कितना हुआ है कितना नहीं। तो आज ने एक मिस्त्री नहीं आया, एक मिस्त्री आ गया है, वो क्यों नहीं आया आपका भाई? पता नहीं आएगा कि नहीं, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। मुझे कह रहा था कि मैं तकरीबन 11-12 बजे आ जाऊंगा, ऐसे कह रहा था गाइस। अभी पता नहीं क्या आएगा कि नहीं, ये कवाद गाइस हमने सेट कर दिया है। तो इधर से ना अब सिंगल पर्दी स्टार्ट करते हैं, तो तकरीबन 2 फुट में सिंगल पर्दी आएगी, तो उसी के बाद वॉशरूम और बाथरूम बनाएंगे। तो माल भी अभी गाइस तैयार है। कल जैसे तकरीबन रात को ना हमने 7 बजे तक काम गाइस किया था, हम 4-4 फुट के ना वॉशरूम और बाथरूम बनवा रहे हैं इधर। तो पहले ना हम ये सोच रहे हैं कि सिंगल पर्दी दे देते हैं चारों तरफ 2-2 फुट की, तो उसी के बाद हम देंगे वॉशरूम और बाथरूम को। और सॉरी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ईटें थोड़ी बहुत कम हो जाए। अभी उस मैंने पूछा कि वो कह रहा था हाँ अब ना शायद ईटें थोड़ी बहुत कम हो जाए, लेकिन पहले कह रहा था कि आपने इसको डबल दिलवाएंगे चारों तरफ पैर में, मतलब हो जाएगी। तो ये भी ईटें रहती है तकरीबन, मेरे ख्याल से कोई एक ट्राला रहता है, 2 ट्राले डल गए, तो उधर भी अच्छी खासी ईटें पड़ी है। तो काम करेंगे आज पता चल जाएगा कि ईटें मतलब कम्प्लीट होती है कि या मतलब कम हो जाती है। खाना हमने खा लिया और ये वाली दीवार ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। मैं कहता हूँ कि आज मैं चार दीवार फारिग हो जाऊँ तो उसी बात ले पाई कहता हूँ। ये देखा माशा कितनी प्यारी और अच्छी देखने में आ रही है, लेकिन ये ईटें देखने में आ रही तो अच्छी नहीं देखने में आ रही। उसके ऊपर ना और हम सफेद कलर करेंगे तो ये टूटी हुई छोटी 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 ये सेट हो जाएगी अच्छे से। तो अब निकाल मैं आपको बैर चल के दिखाता हूँ कितना काम हुआ है कितना नहीं। अच्छा लगा सुबह से लेकर अभी तक इतना ये काम हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। तो एक ये भी बात है कि मिस्त्री भी नहीं आया, एक मिस्त्री नहीं है एक मिस्त्री आया है। तो ये सिंगल पर्दी हम बना रहे हैं, तकरीबन ये 6 फुट की दीवार करेंगे, तो ये अभी 6 फुट की नहीं हो रही, तो अभी ऊपर जाएगी तकरीबन मेरे ख्याल से 1 फुट अभी ऊपर जाएगी, तो उसी बात 6 फुट की ये हो जाएगी, तो 4 फुट की हो जाएगी डबल, 2 फुट की हो जाएगी सिंगल पर्दी। तो इस तरह अभी दीवार को गाइस हम बना रहे हैं। तो उधर से लेकर इतने देखें ये काम हुआ है गाइस। तो अभी ये भाई अभी थोड़ी बहुत ईटें डाल रहा है, क्योंकि वो ना गए खाना खाने, तो खाना खा के आ जाए, तो उसी के बाद पैसे आगे इधर काम स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो वो मिस्त्री नहीं गए वो आ जाता है, तो आज मेरे ख्याल से अच्छा खासा काम निकल जाता है, लेकिन वो क्या मेरा थोड़ा काम है, तो उस वजह से मैं आज नहीं आऊँगा। लेकिन उसको मैंने ज़्यादा कहा तो उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन 11-12 बजे आ जाऊँगा, लेकिन 2 बज गए अभी तक आया नहीं है। वो अभी गएगा खाना खा के आ जाएंगे मेरे ख्याल कुछ टाइम में, तो उसी के बाद पैसे काम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है सिंगल पर्दी है पिल पाइए बनाने, दूसरा ये कि वो चुनारी नहीं उसी से माल मतलब फेंकना है। वो ये वाली जो है गाइस ये सही है, क्योंकि इसके ऊपर ना ऐसे तगारी से फेंकते हैं और बस ईटे डालते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। ईटे गाइस सुबह सुबह ना अच्छी खासी हमने इकट्ठी करवा दी, ये पड़ी है उधर पड़ी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वाला जो काम है इस तरफ वाला ये निकल जाए, तो उसी के बाद पैर दरवाज़ा डाल देंगे। इसी दरवाजे को ना गाइस अच्छे से मतलब कपड़ा डालेंगे जोर से, तो ये साफ हो जाएगी, रंग वगैरह या थोड़ी बहुत मिट्टी है ना ये सेट हो जाएगी। ये ईटें पड़ी है गाइस, दूसरी ये ईटें पड़ी है, ये पड़ी है, तो मुझे ऐसा लगता है तकरीबन 1 ट्राले से थोड़ा कम इतनी ईटें हो जाएगी। तो अभी सिंगल पर्दी है, इतनी ज़्यादा ईटें भी नहीं चाहिए। ये वाली जो दीवार है ये 6 फुट हो जाती है, तो ये पील पाया बना हुआ है इतने तक, मतलब इतनी बड़ी ना हम दीवार चारों तरफ करेंगे। और ये सिंगल पर्दी नहीं गाइस ये सही है, क्योंकि एक तो थोड़ा बहुत स्टाइल भी हो जाता है, दूसरा इसके ऊपर अगर अंदर से हम लेपाई कर देंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अंदर की तरफ ना गाइस लेपाई कर देते हैं, बैक की तरफ ग्रोटिंग कर देते हैं, जैसे ये खड़े खुबे ना ये भर जाएंगे सीमेंट से, माल और सीमेंट उसी वजह से मतलब ये खड़े खुबे नहीं रहेंगे, ग्रोटिंग हो जाएगी, तो उसी बात दीवार बैस मजबूत हो जाएगी, अंदर से भी मजबूत हो जाएगी। तो अंदर से ना हम स्टाइल के लिए मतलब शो के लिए हम मैं कहता हूँ कि लेपाई कर दें तो अच्छी लगेगी दीवार। आपको पता है लेपाई हमसे होगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेपाई, इतनी लेपाई हम कैसे कर पाएंगे। तो देखेंगे कोई अगर बंदा मिल गया तो ठेके पे कम पैसों में करवा दें मतलब लेपाई। रेत वगैरह पड़ी थी गाइस उसी को थोड़ा बहुत सेट किया है, अभी भी सेट कर रहे हैं। ये वाले पड़ी नहीं जाए ये ईटें उठा दें, तो उसी के बाद इसी दीवार को भी सेट कर देंगे। माल ना बहुत बहुत ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि ये सिंगल पर्दी इसी में इतना ज़्यादा माल नहीं डल रहा, तो ये माल ज़्यादा बनवा दिया। मुझे अभी ऐसा लगता है कि वॉशरूम बाथरूम वाला ये काम स्टार्ट करवाएंगे तो माल निकलेगा, वरना शाम तक माल ये निकलेगा नहीं। ये वॉशरूम या बाथरूम अभी कन्फर्म नहीं है क्या होगा, तो उसी को ना अभी ओसारी दे रहा है, तो एक ना अभी इधर ओसारी आएगी, जैसे ये ना हमने छोड़ दिया है तो ये तकरीबन 4-4 फुट के हो जाते हैं। तो उस्ताद इधर क्यों दे रहे हो, इसी को दें दीवार को, माल ख़त्म करना शाम तक आना। मुझे वैसे लग रहा है माल थोड़ा कम कम डालना, सही ज़्यादा नहीं डालना, ऐसा ऐसा रखना कि थोड़ा थोड़ा आ जाए, वॉशरूम बाथरूम भी बन जाए साथ में, सही है ना। एक सीमेंट की थोड़ा डाला है, सीमेंट कितना डाला था, एक थोड़ा, एक बोरी है, एक ना जी जी हाँ एक थोड़ा का डाला है सीमेंट का, तो उसी में मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉशरूम और बाथरूम इनकी दीवार बन जाएगी। तो इधर ऊपर काम करेंगे, ये कितना होता है सिंगल पर्दी, कल वाला काम हो रात को 7 बजे तक काम करना पड़े, आज ये ऐसा काम करेगा नहीं, मुझे पता दूर है बिल्कुल, ऐसा नहीं है। इसने कहा माल ज्यादा बना दिया, पैर तक रात को 7:30 बजे तक काम कर रहे थे, भाई क्या कह रहे मुझे कुत्ते काटेंगे, तो रास्ता मेरा सही नहीं है अभी छोड़े, तो 7:30 बजे तक रात को इसको छोड़ा था। तो 6 फुट गया ना हम दीवार करवा रहे हैं, तो ये नाप ना अभी करेंगे तो पता चल जाएगा, ये ऊपर 6 फुट होता है, तो इसको पकड़ो
ये 6 फुट होता है गाइस, नीचे नीचे से इसको सेट करते हैं, ऊपर करो, अब सही है। अभी भी 1 फुट आएगा तो उसी बाद इतनी बड़ी दीवार हो जाएगी, बहुत है। संध्या बेटी क्या खा रही हो, क्या खा रही हो? हाँ वही, ये छापर में क्या है, क्या है? हाँ वही, ये छापर में क्या है? सुबह गोरी की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो बुखार है गोरी क्या? बुखार का थोड़ा सर में दर्द है क्या? सर में दर्द है, थोड़ा सर में भी दर्द है, अभी देखते हैं गोली कर देते हैं गोरी को। संध्या बेटी अरे परेशान परेशान हो गए, क्यूट से गुड़िया परेशान परेशान हो गए। हंस ले हंस ले, देख ले, ये देखो हंस रही है, अम्मी अम्मी हंस रही है, क्यूट से गुड़िया परेशान हो जाती है। सुबह टाइम शाम में बज रहे तकरीबन 4:40, तो अब ना आपको दिखा देगा कितना काम हुआ है कितना नहीं। ये वाली दीवार ये 6 फुट कंप्लीट हो गई है, उधर से लेकर उतने तक अभी आगे रहती है, इतनी बड़ी हम दीवार कर रहे हैं, तो माशाल्लाह ये दीवार अभी सही है, बड़ी है, तो इधर आगे मतलब रेत वगैरह ये हटा देंगे तो मतलब और ज़्यादा बड़ी देखने में आएगी, जैसे ये देखने में आ रही है इतनी बड़ी देखने में आएगी। बहर की तरफ ना हम करवा देंगे प्लास्टर या ग्राउंडिंग, मतलब ये जो है ना इसे सीमेंट थोड़ा बहुत डाल देते हैं, इस तरह कर देंगे, चाचू से पूछेंगे, जो चाचू कहेगा वो हम करवा देंगे। तो आज गाइस इतना ज़्यादा काम नहीं निकला, थोड़ा बहुत मतलब बंदे थोड़े ढीले थे, और दूसरा एक ने मिस्त्री आया था, एक मिस्त्री नहीं आया, तो उस वजह से थोड़ा बहुत काम कम निकला है। तो एक मिस्त्री आया था वो भी मतलब अभी गया है, तकरीबन आधा घंटा हो गया घर तो वापसी आया नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत अभी काम रुका हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि आ जाओ जल्दी, तो वो कह रहा था कि शाम तक कुछ भी हो जाए मैं आपको वॉशरूम और बाथरूम इनकी दीवारें 6 फुट ये आपको कंप्लीट करके देता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट करके दे, लेकिन उसी ने ऐसा कहा है, तो अभी देखते हैं इसकी कंप्लीट होती है कि नहीं दीवार। तो माशाल्लाह ईंटें वगैरह मतलब इकट्ठी की हुई है, सिर्फ अभी मिस्त्री तो वो ना इधर ईंटें डालेगा, तो मेरे ख्याल से ये तकरीबन 6 फुट में हो जाएगी। 2 दिन काम गाइस अच्छा खासा निकल गया था, आज काम इतना ज़्यादा नहीं निकला। दूसरी ये बात है गाइस, ये जो सिंगल पर्दी है इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये ईंटें इसमें मतलब तगारी वगैरह से माल बंदा नहीं फेंक सकता, तो चुनारी से थोड़ा थोड़ा माल फेंको, फिलपाई वगैरह ये भी बनाने होते हैं, तो 5-5 मिनट में लाटू वगैरह करना होता है, तो सोचा थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अलावा खैर कर कल के दिन में अगर दोनों मिस्त्री आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये वाली जो दीवार है ये चारों तरफ कम्प्लीट हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि आज दरवाज़ा शाम को डालेंगे, लेकिन अभी तो काम नहीं निकला इतना ज़्यादा, तो मेरे ख्याल सुबह दरवाज़ा डालेंगे। तो ये वाला जो तरफ है ये गाइस मैं कहता हूँ कंप्लीट हो जाए, तो उसी बंद दरवाज़ा डालेंगे। काम तो निकला नहीं, क्या किया सर? अभी तो ये है ना, क्या अभी उस्ताद नहीं थे, उस्ताद नहीं थे, मिस्त्री है ना, आप ये काम कर सकते हो? इंशाल्लाह हम नहीं कर सकते यार। आपने काम किया है? आपने काम किया है पहले? कभी नहीं किया मैंने, किया था मुझे बताया किसी ने, नहीं किया है, मैंने किया ही नहीं भाई। तो आज मुझे ऐसे लगता है रात के 9 बज जाएंगे। नहीं, वो मिस्त्री नहीं, उसने क्या कहा कि वॉशरूम और बाथरूम की जो दीवार है ना वो आपको मैं कंप्लीट करके दूंगा रात के 12 भी हो जाए, तो 6 फुट की, तो आज मुझे ऐसे लगता है 11-12 हो जाएंगे, क्योंकि आज काम निकला नहीं है ना, है कि नहीं? वो गया गाइस मेरे ख्याल अपने आने वाला है, लेकिन जब आएगा ना तो मैं कहूँगा कि 11 हो जाए 12 हो जाए वॉशरूम और बाथरूम की 6-6 फुट की मुझे दीवार करके दे। लेकिन उसने खुद ने कहा कि मैं आपको करके दूंगा, मेरा थोड़ा काम है, मैं बस जाता हूँ और वापसी आता हूँ। और अपना आ रहा है गाइस, बाइक का आवाज हो रहा है, अपने गाइस आ रहा है, अपने इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, रात के 10 भी हो जाए 11 भी हो जाए 6-6 फुट की दीवार कंप्लीट कराऊंगा, तो ये सामने आ रहा है। ये ना गाइस मेरे से हिसाब नहीं किया था, तो उस वजह से मैं मतलब कभी कभी मजबूर हो जाता हूँ, अगर बाइक वगैरह लेता है कभी कभार आधा घंटा या घंटा लेट करता है, तो उसको मैं इसको मैं कुछ नहीं किया था, क्योंकि गाइस ये सुबह तकरीबन 5-5 बजे 6-6 बजे भी आ जाता है, रात को तकरीबन 6-6 7-7 बजे तक काम करता है, लेकिन दिहाड़ी वही होती है, तो मैं भी मतलब कभी कभार घंटा आधा घंटा आगे पीछे हो जाता है, तो उसको मैं कुछ नहीं किया था, क्योंकि ये काम अच्छा खासा निकाल के देता है। अपने गाइस मिस्त्री आ गया है, देखा पर अपने 6-6 फुट की दीवार करवानी है, वॉशरूम और बाथरूम हो जाएगी। आपके बंदे से पूछो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? 5 बजे मैं चला जाऊंगा, चला ये चला जाए तो पहले आप एक करोगे। अभी देखते हैं गाइस वॉशरूम और बाथरूम की, मुझे कहा कि 6 फुट की दीवार आपको कंप्लीट करके देंगे, तो अभी देखते हैं होती है कि नहीं। तो तकरीबन ये वाली 4 फुट हो गई है, तो इधर एक छोटा सा पिलपाई आएगा तो वो 4 फुट का हो जाएगा, तो उसी बार ये वाली जो दीवार ये आ जाएगी, ये 4 फुट हो जाएगी, तो उसी के बाद 2-2 फुट ऊपर ये चारों तो घूम के आएगा, तो ये वाली इतनी मैं कहता हूँ शाम तक हो जाए। सो इसी दीवार को हमने बनाया तो झाड़ू नहीं डाला, ये जो माल है ना आगे पीछे, तो इसी को झाड़ू डाल के इसी तरह मतलब ये तो सूख गया है, मेरे ख्याल नहीं निकलेगा ये वाला, ये निकल जाएगा, ये जो आज हमने दीवार दी है ये वाला ऊपर से ना इस तरह झाड़ू डाल देते हैं, ये सारा माल नीचे गिर जाएगा, इसी तरह इधर भी माल है ये, तो इसी बाद में साफ करेंगे गाइस, लेकिन ये ना निकल जाए बस, अगर अभी अभी झाड़ू नहीं डाला तो गाइस ये सारा चप जाएगा, तो उसी बाद ये निकलेगा नहीं, इस तरह गाइस इसी को मैं सारी सेट कर देता हूँ।
स्टिकर में जो ATM पड़ी है ये ना अभी निकाल देते हैं क्योंकि ये ना अभी तैयार है तो पैसे ना अभी डालते हैं। तो अभी तक काम स्टार्ट है, देखते हैं कितना काम होता है कितना नहीं। तो ये वाली जो ATM पड़ी है इसी को निकाल देते हैं क्योंकि अब ईटों में थोड़ी बहुत शार्टिंग हो रही है, तो उसी बंदे को ना हमने ईटों पर डाल दिया है, तो वो ईटें लेके आ रहा है, ये अभी माल दे रहा है। मैं अभी ईटें डाल रहा हूँ निकाल रहा हूँ, तो इस तरह अभी करते हैं काम। सुबह टाइम शाम के बजे 6:20, तो अभी आपको दिखा दें काम कितना हुआ है कितना नहीं। काम ज़्यादा निकल गया है, कहाँ काम ज़्यादा निकल गया है। तो उसका देखा पर आज वैष्णो बाथरूम तो कंप्लीट नहीं हुई, 6 फुट के सुबह नहीं अभी की बात हुई थी, आपने क्या 11 हो जाए 12 हो जाए हो जाएगा। अभी देख झूठा हो गया ना, झूठा हो गया, नहीं झूठा हो गया ना। घर वाली बीमार लगी पड़ी है, उसको पूछना है ऐसे नहीं लटक जाए। अभी नहीं इतना काम हुआ है तो इंशाल्लाह कल अभी देखते हैं कितना काम होता है, कल कोशिश करते हैं कि कल के दिन में इसी को कंप्लीट करते हैं। कल के दिन में कंप्लीट हो जाएगा नहीं उसका इंशाल्लाह, ये सारा कुछ सारा तो मुश्किल, ये भी कंप्लीट कर देंगे, खाकी दीवार भी कंप्लीट कर देंगे। अच्छा इंशाल्लाह, तो अभी देखते हैं कितना काम होता है। ये थोड़ा बहुत मुश्किल भी हो रहा है, सिंगल पर्दी वाला इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आज गाइस ये मतलब सिंगल पर्दी उधर से लेकर इतने तक मतलब आई है, तो ये वाली ना हम डबल दिलवा रहे हैं क्योंकि ये ना वाशरूम बाथरूम में तो सो ज्यादा डबल सही है, तो ये सिंगल ऐसे ना गिर जाए। तो इस व्लॉग में करते हैं इधर एंड, तो तकरीबन शाम के बजे 6:20, तो कल के व्लॉग में आपको दिखाएंगे कितना काम होता है कितना नहीं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। खैर आप और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपने साथ किए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।